कि पसीने से आपके बालों में प्रॉब्लम होने वाली है, आपकी ट्रांसप्लांट खराब होने वाला है। Hey guys, welcome back to the channel। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की Q&A वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम मोस्ट ऑफ द संडेज को Q&A वीडियोज़ करते हैं, जिसमें हम अपने सब्सक्राइबर्स से क्वेश्चन पूछते हैं ये ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, और उन क्वेश्चंस को डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो कल हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने पूछा था, हे ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पुट करिए। आप लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, उनके क्वेश्चन के आंसर हम देने वाले हैं वीडियो में। अगर आप लास्ट पोस्ट पे कमेंट नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में हम ऐसे पोस्ट लाते रहेंगे, आप अपने हे ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डाउट शेयर कर सकते हैं, हम उनके आंसर देंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है संदेश शर्मा ने, हैव यू सीन एनी चेंज इन योर हेयर्स आफ्टर पीआरपी। उन्होंने बोला है कि आपने पीआरपी ट्रीटमेंट के बाद अपने बालों की कंडीशन में कोई चेंज देखा था। तो मैंने आपको जैसे पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जब मैंने पीआरपी ली थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन के टाइम ही पीआरपी ट्रीटमेंट लिया था। मतलब जब मेरी सर्जरी हुई थी मैंने उसी के बाद पीआरपी लिया था, उसके बाद मैंने कोई भी पीआरपी नहीं लिया है। ड्यूरिंग द सर्जरी मेरी पीआरपी हुई थी, सो ऑब्वियसली उस समय ट्रांसप्लांटेशन हुआ था तो पीआरपी का ज़्यादा इफेक्ट ऑब्वियसली लगेगा नहीं, क्योंकि मेरे जो हेयर थे वो ऑलरेडी ट्रिम्ड ऑफ हो चुके थे। रिजल्ट मेरा बूस्ट हुआ ऑब्वियसली, मैंने ड्यूरिंग द सर्जरी पीआरपी ली। काफ़ी क्लिनिक्स देते हैं पीआरपी ड्यूरिंग द सर्जरी, काफ़ी क्लिनिक्स नहीं देते। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ही पूछा है, आई हैव स्कैप्स ऑन स्कैल्प इवन ऑन 16 डे आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड इफ आई रब देम सॉफ्टली हेयर्स आर शेडिंग विद द स्कैप्स, इज दिस नॉर्मल। ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे ट्रांसप्लांटेशन को 16 दिन हो चुके हैं और मेरे स्कैल्प पे अभी भी ब्लड क्लॉट्स हैं, स्कैप्स हैं जो पपड़ी पपड़ी टाइप की जम जाती है, और अगर मैं जेंटली उसको रब करके निकाल भी रहा हूँ तो उसके साथ बाल झड़ रहे हैं, क्या ये नॉर्मल है कि नहीं। तो देखिए संदेश जी, मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है वीडियो में कि आपको जो स्कैप्स हैं ब्लड क्लॉट्स हैं वो 15 से 16 दिन के अंदर कुछ भी करके रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर आपने रिमूव नहीं किए तो हो सकता है ये आपके ग्राफ्ट को डैमेज कर दे। चांसेस होते हैं, अब ये नहीं बोलूंगा कि आपके रिमूव नहीं होता आपके ग्राफ्ट डैमेज हो गए होंगे, आई होप डैमेज नहीं हुए हों, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आपको कम से कम 15 से 16 दिन में रिमूव कर देने हैं। और अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन की कि मैं जब उनको रिमूव भी कर रहा हूं तो उसके साथ बाल भी झड़ रहे हैं, शेडिंग हो रहे हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? ऑब्वियसली ये नॉर्मल है। देखिए जब आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद हेड वॉश करना स्टार्ट करते हो तो जब ब्लड क्लॉट्स रिमूव होते हैं उनके साथ ऑब्वियसली आपको बाल दिखाई देते हैं, क्योंकि शेडिंग फेज ऑलरेडी अराइव हो चुका होता है। अब शेडिंग फेज तो ऐसा है नहीं कि 20 से 25 दिन बाद ही आपका होगा, कुछ लोगों का ये 5 से 6 दिन में स्टार्ट हो जाता है। तो बाल अगर आपके झड़ रहे हैं हेड वॉश के टाइम, आपको घबराना नहीं है, वो बाल टाइम के साथ वापस आ जाएंगे। तीसरा इन्हीं का क्वेश्चन है कि शैल आई अप्लाई मिनोक्सिडिल ऑन द ट्रांसप्लांटेड हेयर विच हैव स्कैप्स अटैच्ड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं अभी भी उन बालों में मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करूं जिसमें ऑलरेडी अभी स्कैप्स लगे हुए हैं, जिसमें ब्लड क्लॉट जमे हुए हैं। तो देखिए आप, अगर आपने मोस्ट ऑफ द पार्ट में अगर आपका 80% स्कैप भी रिमूव हो चुके हैं तो आप मिनोक्सिडिल लगाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके सिर्फ 20% यू नो स्कैप्स रिमूव हुए हैं पूरे स्कैल्प पे, तो मिनोक्सिडिल लगाने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके ऑलरेडी स्कैप्स हैं। जब आपका स्कैल्प पूरा क्लीन हो जाए आप तभी मिनोक्सिडिल लगाइए, लेकिन अगर आप कुछ कुछ बचे हुए हैं तो ऑब्वियसली मिनोक्सिडिल लगा सकते हो, देयर इज नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अंकित जी ने, सर प्लीज़ बताइए कि मुंबई में एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए अंकित जी, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन मुंबई की बात करें और कॉस्टिंग की बात करें, तो मैंने केस स्टडी में बताया हुआ है कि मुंबई पुणे महाराष्ट्र ऐसी जगह है जिसमें दो सिटीज़ में बहुत अच्छा ट्रांसप्लांटेशन होता है, पुणे और मुंबई। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो भी महाराष्ट्र की है, लोग ट्रैवल करके इन दो सिटीज़ में ही ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, लोग गोवा से आगे ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं मुंबई में। और कॉस्टिंग की बात करें तो 18-20 रुपीज़ पर ग्राफ में अच्छा ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो इन दोनों ही सिटीज़ में, अच्छी ट्रांसप्लांटेशन की बात करें। देखिए अगर हम वैसे ही बात करें तो क्लिनिक्स तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके मनचाहे रेट में ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, लेकिन अगर आप अच्छे की बात करो तो 18-20 रुपीज़ पर ग्राफ में आप अच्छा ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो, और आप करवाना चाहते हो तो आप बेस्ट हेल्प में विजिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शुभांक तिवारी ने, आई वॉन्ट अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन ऑन माई हेयर लाइन एंड टेम्पल्स बट सम डेंसिटी फ्रॉम द फ्रंटल स्कैल्प इज लेस एंड क्राउन हेयर और ऑल्सो वेरी मच लेस, कैन दे बी रिग्रोन बाई पीआरपी ट्रीटमेंट। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहता हूँ फ्रंटल हेयरलाइन और टेम्पल्स का, और मेरे मिड स्कैल्प में और क्राउन में ऑलरेडी काफ़ी बाल हैं और डेंसिटी उनकी कम है, मतलब स्कैल्प विजिबल है, तो क्या वो बाल पीआरपी से ग्रो हो सकते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट किया होगा, उन्होंने भी आपको यही बताया होगा, आई होप सो, कि जो फ्रंटल एरिया है वो तो आप अभी ट्रांसप्लांटेशन करवा लो, लेकिन रेस्ट ऑफ द हेयर जो आपके हैं, जिसको आप एग्जिस्टिंग हेयर बोलोगे, आप मिड स्कैल्प के और क्राउन के, आप उसमें पीआरपी करवा सकते हो। डेफिनेटली आप करवाना भी चाहिए आपको, क्योंकि वो बाल पीआरपी जो होता है वो क्राउन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्राउन के जो हेयर होते हैं वो डेंस हो जाते हैं और बिल्कुल यू नो आपका जो स्कैल्प है वो विजिबल होना बहुत कम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है शोभित पलिवाल ने, कैन वी ड्राइव नेक्स्ट डे ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, इज देर एनी प्रॉब्लम ड्यू टू ह्यूमिड वेदर ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, डस स्वेटिंग कॉजेज प्रॉब्लम टू ट्रांसप्लांटेड हेयर।
सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि कैन आई ड्राइव नेक्स्ट डे ऑफ एयर ट्रांसप्लांटेशन। आप ड्राइव कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कितने लंबे आप ड्राइव कर रहे हो। अगर आप लंबी ड्राइव की बात करें तो आप नहीं कर सकते। देखो, करना चाहो तो आप करोगे, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। और आप शॉर्ट ड्राइव कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली ड्राइव कर सकते हो, देयर इज नो इशू। सेकंड क्वेश्चन पता है, इज देयर एनी प्रॉब्लम ड्यू टू ह्यूमिड वेदर ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। क्या उमस से कोई प्रॉब्लम होती है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। काफी लोगों के मन में डाउट होता है कि गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में एक अच्छा सीजन नहीं होता ट्रांसप्लांटेशन के लिए, विंटर्स में ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछोगे, वो आपको हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आपके पास कभी भी कोई भी मौसम में टाइम हो, आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। ऐसा कोई भी इशू नहीं होता गर्मियों में। और अगर मैं डेटा की बात करूं तो मैक्सिमम लोग गर्मियों में ही ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, गर्मियों में उनके लिए वेकेशन निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन इन्हीं का है, डस स्वेटिंग कॉज प्रॉब्लम टू ट्रांसप्लांटेड हेयर। मतलब ये पूछना चाहते हैं कि जो पसीना होता है उससे ट्रांसप्लांटेड हेयर को कोई प्रॉब्लम होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, आपके मन में जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको अगर डाउट है, ये अपने दिमाग से मिथ हटा दीजिए। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर खराब नहीं होंगे पसीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सागर जी ने, उन्होंने पूछा है, इज इट ओके टू ट्रैवल बाय एयर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन? After how many days we can remove the bandages? ये कहना चाह रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद हम फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप कर सकते हो, देर इज नो इशू। फ्लाइट से तो क्या, आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, आप बस से ट्रैवल कर सकते हो, देर इज नो इशू। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज कैन वी रिमूव द बैंडेजेस? ये डिपेंड करता है आपका FUT सर्जरी हुई है कि FUE सर्जरी हुई है। और अगर हम बात करें FUE ट्रांसप्लांटेशन की, अगर आप FUE की पर्टिकुलरली बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 2 से 3 दिन में बैंडेज निकाल सकते हो। मैक्सिमम क्लिनिक्स में तो नेक्स्ट डे ही बैंडेज रिमूव कर दी जाती है, लेकिन आप पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करिए, अपने सर्जन से, जैसा वो बोले आप उन्हीं को फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूरज जी ने, उन्होंने बोला है कि आई वांट टू नो दैट आई हैड ट्रांसप्लांटेशन डन 87 डेज एगो बिकॉज आई हैव अ ट्रैक्शन एलोपेशिया कॉज आई एम अ सिख। आई डोंट वांट टू लूज हेयर लॉस बट माय डॉक्टर सजेस्टिंग मी टू यूज मिनोक्सिडिल ऑन ट्रांसप्लांटेड हेयर बट रिसेंटली आई हैव बीन यूजिंग मिनोक्सिडिल ऑन नेचुरल हेयर इवन दो देर इज नो हेयर लॉस फ्रॉम मी। ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने 87 डेज पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया हुआ है, मेरा ट्रैक्शन एलोपेशिया था। ट्रैक्शन एलोपेशिया मैंने डिस्कस किया है अपनी वीडियोस में, जिसमें प्रेशर के कारण आपका हेयर लॉस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टर्बन गाइज जो होते हैं, हमारे जो सिख लोज होते हैं, जो पगड़ी वगैरह पहनते हैं, उनको ट्रैक्शन एलोपेशिया की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन कराया, इनको सेम प्रॉब्लम थी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो सर्जन हैं, इनके जो डॉक्टर हैं, उन्होंने उनको रिकमेंड किया है कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में तो ऑब्वियसली आप मिनोक्सिडिल लगाओगे ट्रांसप्लांटेशन के कम से कम 6 महीने तक, तो ये लगा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं उन बालों के साथ साथ एग्जिस्टिंग हेयर में भी ट्रांसप्लांट मिनोक्सिडिल अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या जब मैं मिनोक्सिडिल छोड़ूंगा तो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर में प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? तो मेरा पर्सनली ये कहना है कि हाँ, मुझे लगता है आपके एग्जिस्टिंग हेयर में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको मिनोक्सिडिल की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रैक्शन एलोपेशिया में DHT की वजह से तो आपका हेयर लॉस होता नहीं है, यहाँ पे आपका प्रेशर के कारण फ्रंटल हेयर लॉस होता है। तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली आप ट्रांसप्लांटेड हेयर में मिनोक्सिडिल लगा रहे हो, मिनोक्सिडिल लगाना बंद कर दोगे, वो बाल तो नहीं झड़ेंगे क्योंकि वो ट्रांसप्लांटेड हेयर है। लेकिन आपके एग्जिस्टिंग हेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मिनोक्सिडिल का इफेक्ट जब कम होने लगता है, वहाँ पे आपके जो रूट्स होते हैं उनको मिनोक्सिडिल की एक हैबिट लग जाती है, एक तरह से आप इसको आदत मान लो। तो आप जब इसको छोड़ते हो तो आपका हो सकता है हेयर लॉस होने लगे। सो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप यूज़ मत करिए, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है तो हो सकता है आपका केस थोड़ा डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वरूप जी ने, उन्होंने बोला है, हाउ मच सक्सेस रेट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया? ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसप्लांटेशन का जो सक्सेस रेट है वो कितना होता है डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस पे। सो स्वरूप जी, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में डिस्कस किया है, डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस थोड़ा डिफरेंट होता है। ये अगर हम इसको मेल पैटर्न बोलने से कंपेयर करें तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करना थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा डिफिकल्ट है सर्जन्स के लिए। अगर हम सर्जन्स की माने तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस सर्जन रिक्वायर्ड होते हैं डिफ्यूजन एलोपेशिया के केस में। लेकिन अगर हम सक्सेस रेशियो की बात करें और आप एक अच्छे सर्जन से अपना डिफ्यूजन एलोपेशिया का ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो, तो 101% आपका ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आएगा। ऑब्वियसली डोंट वरी अबाउट इट अगर आपको डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस है। आप लोग में से कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको डिफ्यूज पैटर्न की प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांटेशन आप ऑब्वियसली करवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन आपको सर्जन वाइसली चूज करना है। हमारे अगर वेबसाइट में आप देखो तो काफ़ी पेशेंट के रिजल्ट शो हो रखे हैं जिनका डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस था, उन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया अच्छे सर्जन से, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे अपनी सर्जरी करवाने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निर्मल सोलंकी ने, कैन वी टेक फिनिस्ट्राइड विदाउट डूइंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी? ये कह रहे हैं कि क्या हम फिनिस्ट्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ट्रांसप्लांटेशन करवाए? आप डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है और आपका DHT की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, आपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, उन्होंने आपको फिनिस्ट्राइड यूज़ करने को बोला, श्योर आप यूज़ कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा नमन जैन म्यूजिक ने, डोनर एरिया में से ग्राफ्ट निकाले जाते हैं तो बाद में वो कवर कैसे हो जाता है जैसे कभी निकाला ही ना गया हो?
ये भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि वो इतना अच्छे से कवर हो जाए कि जैसे निकाला ही नहीं गया। वो ये डिपेंड करता है कि एक्सट्रैक्शन किस हिसाब से आपका हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इस रेशियो में एक्सट्रैक्शन करते हैं कि पता भी नहीं लगता 3 महीने बाद कि यहाँ से कभी ग्राफ्ट भी निकाला गया हो। काफ़ी क्लिनिक ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रैक्शन कर देते हैं इतना ख़राब कि 1 साल बाद भी एरिया खाली लगता है। आप ये मत समझिए कि आप किसी भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवा लोगे डोनर एरिया आपका बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हमने काफ़ी केसेस देखे हैं, हमें काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने अपना डोनर एरिया ख़राब करवाया होता है जस्ट बिकॉज वो क्लिनिक चूज़ करने में गलती कर देते हैं। और अगर हम बात करें ऐसे क्लिनिक्स की जो बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्शन करते हैं और वो कैसे कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन की पीछे का एरिया बिल्कुल नेचुरल लगे ना कि वहाँ से ग्राफ्ट निकाला गया हो, तो ये देखिए प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है टोटली। ये जो ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन होता है ये प्रोपोर्शनली होता है। एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि आपको एक एरिया से कितने ग्राफ्ट निकालने हैं ताकि वो एरिया बिल्कुल कवर्ड लगे। ऐसा नहीं आप एक एरिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/4 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से, 1/4 नंबर ऑफ ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। काफ़ी क्लिनिक से होते हैं वो बिल्कुल एक जगह से ही बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल लेते हैं और वो एक एरिया पैची लगने लगता है। सो यू हैव टू चूज़ अ गुड क्लिनिक, स्पेशली डोनर एरिया हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर वो अच्छे से नहीं हुई, फ्यूचर में आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बारे में सोचोगे भी तो आपके पास डोनर एरिया अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा नितिन ने, हेलो सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, आई वॉन्ट टू डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट विद दिस। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सर, ट्रांसप्लांटेशन आप करवाना चाहते हो बेस्ट हेल्प में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स एसोसिएटेड हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक्स वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसके फंडामेंटल्स देखो, फिर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाओ। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए, आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। आपका क्वेश्चन छूट गया हो, आने वाली वीडियो में आपका क्वेश्चन कवर होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।